देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है लोग, अभी देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा भीड़ है। आप देख सकते हैं इस नेपाल बॉर्डर में है लोग, यहाँ पे यात्री लोग। जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे लोग। दोस्तों दोस्तों मैं इस वक्त जो है मैं वाल्मीकि नगर जो बैराज पुल है उस पुल पर मैं खड़ा हूँ और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि वो जो सामने दिख रहा है बॉर्डर, वो भारत, हमारा प्यारा देश भारत का बॉर्डर है, भारत का बॉर्डर है। और जो उधर जो दिख रहा है उस साइड की तरफ, अभी थोड़ा सा ये है मौसम, वो नेपाल का बॉर्डर है। और इस वक्त हम भारत नेपाल के बॉर्डर के बीच में जो बैरेज पुल है जिसे 36 पाया बोलते हैं, उस पुल के बीच में हम खड़े हैं। और आप लोग को मैं थोड़ा घुमा के दिखा दे रहा हूँ इधर का दृश्य। तो आप लोग देख लिए लोग, और हम लोग इस वक्त चल रहे हैं नेपाल में, नेपाल में एंट्री करेंगे लोग और मदरिया पहाड़ जाएंगे लोग। बहुत ही प्राचीन मतलब पहाड़ है वो, आप देख सकते हैं बहुत ही प्राचीन पहाड़ है, मदरिया पहाड़ है। हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं लोग, हम हैं और ये यूपी से हमारा छोटा भाई आया हुआ है और ये है, हम लोग वहाँ पर चल रहे हैं। और ये वीडियो जो है ना दो पार्ट में आने वाला है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, एक पार्ट में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए दो पार्ट में हम आपको वीडियो देंगे। देखिए बहुत से लोग यूपी से, बिहार से, कहां कहां से, जो जिनको जैसे सुविधा मिलता है हर जगह से लोग जा रहे हैं लोग यहां पे मदरिया पहाड़ देखने के लिए। और उधर कुछ लोग जा रहे हैं लोग, कुछ लोग आ रहे हैं लोग, कुछ लगभग 3-4 रोज पहले से ही मेला शुरू है। और देखिए वो जो आ रहे हैं लोग, वो लोग मदरिया पहाड़ से लौट के आ रहा है लोग। और देख रख सकते हैं ये क्या है, बैरेज पुल है 36 पाया, जो इंडिया और नेपाल के बीच बॉर्डर है, इंडिया और नेपाल को जोड़ता है ये पुल। और देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है इस वक्त, सुबह का टाइम है, थोड़ा सा भीड़ कम दिख रहा है और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ता जाएगा। और आप ये देख रहे हैं कि कितने लोग उधर आ रहे हैं लोग, लग रहा है ये लोग कल का ही गया था लोग और रात में रुका है लोग वहाँ पर, और इस टाइम अब अपने घर के ओर जा रहा है। और हम लोग अब नेपाल में जा रहे हैं मदरिया पहाड़ घूमने के लिए। आप देख सकते हैं कितने दर्शक हैं लोग। तो भाई लोग आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, ये गाड़ी देखिए बिहार का, यूपी का, कहां कहां से आया है। और ये जो सामने दिख रहा है ना वो नेपाल बॉर्डर है। और इधर देख रहे हैं कितना लोग उधर स्नान कर रहा है लोग सब कोई। देखिए ये सब गाड़ी लाइन में लगा हुआ है। और इस टाइम क्या बोलते हैं वो भंसार कट रहा है, एंट्री करा रहा है लोग नेपाल में जाने के लिए। वो जो सामने दिख रहा है वो नेपाल बॉर्डर है। और हम लोग अब नेपाल के बॉर्डर पे आ गए हैं लोग, अब हम लोग नेपाल में एंट्री करने वाले हैं लोग। तब चल के मैं आप लोग को मदरिया पहाड़ दिखाऊँगा, पूरा दृश्य वहाँ का दिखाऊँगा। आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। सकते हैं कि हम नेपाल में एंट्री कर गए हैं, हम नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में घुस गए हैं। और वो देखिए पीछे जो दिख रहा है नेपाल बॉर्डर है। और यहाँ से हम लोग को मदरिया पहाड़ जाने के लिए पहले महलबारी आदमी जाएगा लोग, और वहाँ तक जाने के लिए कितना किराया है। और हम लोग देख रहे हैं कि हाँ कौन सा भाई बस मिलेगा कि ऑटो मिलेगा, क्या पकड़ के हम लोग निकले। और देख रहे हैं कि हाँ, और आप पीछे देख सकते हैं कि बस खड़ा है, बस है, इधर ऑटो वगैरह पूरा लगा हुआ है वहाँ पर जाने के लिए। अब हम लोग पता कर रहे हैं लोग कि हाँ भाई ऑटो मिलेगा कि बस मिलेगा, शायद हमको लग रहा है ऑटो मिलेगा। भैया जगह है? मैं देखिए इनके पास जगह नहीं है और बस पूरा भरा हुआ है। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है,
यहाँ पे नेपाल बॉर्डर में। ये सब लोग मदरिया पहाड़ जाने के लिए सवारी का इंतजाम कर रहा है लोग अपना। आप देख सकते हैं वो बस लगा हुआ है, ऑटो भी है, और पता नहीं कितना किराया है उसका पूछना पड़ेगा। ऑटो में तो सब भर भर के जा रहा है, जगह मिल ही नहीं रहा है, बस भी भरने वाला है। अभी हम भी ऑटो या बस कोई भी सवारी मिलेगा पकड़ के निकलेंगे और महलबारी पहुंचेंगे, वहां से मदरिया पहाड़ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तब चलते हैं वहां पे। आप देख सकते हैं इस नेपाल बॉर्डर में है लोग, यहां पे यात्री लोग ज़्यादा है लोग, पर सवारी कम है, क्योंकि यहां पर कोई सवारी दिखाई नहीं दे रहा है। बस भी लगा हुआ है तो बस में बहुत लोग नहीं जाना चाहता लोग, बस भी कोई कह रहा इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, और ऑटो एक दो आ रहा है भर के चला जा रहा है। हम लोग यहीं पर अभी तक खड़े हैं लोग, कोई सवारी मिल नहीं रहा है। ठीक है, देखते हैं कौन सा सवारी मिलता है। और ये सामने बस आ रहा है, इससे हम पता करते हैं कहाँ तक जाएगा ये बस। देखिए बस, पूरा बस ये जो है पूरा फूल है, ये बस पूरा फूल है। पता नहीं हम लोग कब जगह मिलेगा, कब जाएंगे लोग वहाँ पर। तो ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं, आगे वीडियो हम दिखाते हैं आप लोगों को वहाँ तक पहुँच के। देखिए कितना लोग खड़ा हुआ है लोग पीछे, सब लोग सवारी का इंतजार कर रहा है लोग, हम लोगों के जैसा। तो भैया आप लोग देख सकते हैं लोग कितना मतलब कंजेस्टेड में हम लोग जा रहे हैं लोग। देखिए ये बंदा जो है हमारे गोद में बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं कितना कंजेस्टेड में जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे पहुँचते हैं हम और दिखाते हैं वहाँ का पूरा दृश्य आप लोगों को। भाई लोग कैसे कैसे बड़ी मुश्किल से एक ऑटो मिला है, वो भी आप लोग देखने की है कि कैसे हम लोग बैठ के आए हुए हैं ऑटो में। और इतना काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना काफ़ी भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़ है। अभी सब लोग जा रहा है लोग अभी, जितना आगे है उतना पीछे भी है भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये देखिए नेपाल है ना, नेपाल पर ये फ्री है, देख रहे हैं कितना ज़्यादा वो अल्कोहल रखा हुआ है पीने वाला, ये नेपाल है भाई, देख सकते हैं कितना भीड़ है। वो सामने जो पुल दिख रहा है, अभी हम इस साइड है इस रोड के तरफ, और सामने पुल दिख रहा है, उसी पुल को क्रॉस करके उस साइड जाना है, और उस साइड की तरफ पहाड़ है, मदरिया पहाड़ है, और ये सब महलबारी बोलता है, महलबारी जगह बोलता है। देख सकते हैं ये सब जगह महलबारी है, बहुत काफ़ी भीड़ है। वो आप देख लिए यही पुल है, इस पुल को हम क्रॉस कर रहे हैं, और देखिए पुल पर पूरा लोग भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ तक, देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा भीड़ है। अभी यहाँ से लगभग हम लोग को 2 किलोमीटर पैदल जाना है वहाँ तक पहाड़ तक, अब जाके हम लोग पहाड़ पर के पास पहुंचेंगे और उस पर हम लोग चढ़ाई करेंगे लोग। और ये देखिए पूरा देसी मुर्गा का सेल लगा हुआ है, ऐसा ऐसा बहुत है यहाँ पे देसी मुर्गा का सेल, एक वहाँ पर बगल में भी है, और ये देखिए यहाँ पर भी है, लोग यहाँ से मुर्गा खरीदते। कैसे रेट है भैया मुर्गा का, कैसे रेट है? ये लाल वाला ये सब है ना 200-150 रुपये। 150? हाँ देखिए मुझे 150-200 का जैसे साइज है वैसे, और ये लाल वाला साइज कोई छोटा भी नहीं है, 150 का है देखिए। और चद्दर यहाँ बिक रहा है चढ़ाने के लिए चद्दर, वो देखिए उससे बड़ा सेल और मुर्गा का वहाँ पे लगा हुआ है। दोस्तों हम लोग फाइनली महलबारी में आ गए हैं, नाश्ता वगैरह जो भी करना था कर लिए हैं लोग, अब हम लोग पहाड़ के तरफ चल रहे हैं लोग, अब पहाड़ पे चढ़ाई करेंगे लोग इंशाल्लाह, अच्छे से हम लोग पहाड़ पे पहुंच जाएंगे लोग, और आपको कभी दुआ साथ में रहेगा तो आराम से हम लोग पहाड़ पे पहुंच जाएंगे लोग। हम हैं और ये छोटा भाई है, और इस पीछे पूरा लोग है, ये सब कोई अपना है लोग, सब कोई भारत से आया हुआ है लोग। दोस्तों महलबारी से हम लोग निकल गए हैं लोग, और हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं लोग मदनिया पहाड़ पर, बस थोड़ा दूर और है
और हमारे पीछे देख रहे हैं कितना लोग है, बहुत काफ़ी आज भीड़ है। आज संडे हम सोचे हैं कि भाई आज संडे भीड़ कुछ कम होगा, पर यार आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत काफ़ी भीड़ है। और जितने भी पीछे हमारे लोग दिख रहे हैं, लोग सब कोई मदरिया पहाड़ के लिए चढ़ाई कर रहा है। लोग आप देख सकते हैं चल दिए हैं लोग, हम लोग ये सामने देखिए, ये सब लोग वहाँ से लौट के आ रहा है। लोग देख रहे हैं ना, वहाँ से सब कोई लौट के आ रहा है लोग, और कुछ लोग और लोग जा रहा है लोग। और देखिए नेपाल, यही रास्ता है वहाँ पे जाने के लिए, पहाड़ के पास जाने के लिए यही रास्ता है। देख सकते हैं ये पॉइंट है, यहाँ से डबल रास्ता, एक रास्ता इधर जाता है और एक रास्ता इधर जाता है। हम लोग कन्फ्यूज है कौन सा रास्ता से चला जाए, कौन सा रास्ता से चला जाए, ये रास्ता सही पड़ेगा। अच्छा भैया आ रहे हैं, भैया रास्ता ये सही है, हैं एकदम सही रास्ता है ना, हैं। और ये थोड़ा ज़्यादा चढ़ाव है ना, ये रास्ता डायरेक्ट चढ़ाव पड़ता है। और ये जो रास्ता है थोड़ा सा समतल है, ये जो आ रहा है लोग, भैया लोग बोल रहे हैं लोग ये रास्ता सही है, तो हम लोग इसी रास्ता से चलेंगे लोग आज, क्या बोलते हैं चला जाए, तो हम लोग इसी रास्ता से चलते हैं लोग। और भी लोगों से जानकारी, भैया आप लोग आ गए हैं लौट कर, कौन से रास्ते से आए हैं लोग, तो ये रास्ता बढ़िया है, चढ़ाई कम है कि ज़्यादा है, चढ़ाई थोड़ा ज़्यादा है लेकिन आसानी से पूछ जाएंगे, ऐसा चढ़ाई कम है तो बहुत दिक्कत है, यहाँ पर चढ़ाई ज़्यादा इस रास्ते से, ये रास्ता सही है। तो देखिए ये भैया बोले हैं कि ये रास्ता सही है, तो हम लोग इसी रास्ते से चलेंगे लोग। अभी तो थोड़ा सा फिटनेस उटनेस सही है, और पहाड़ पे जाने के बाद थोड़ा सा संतुलन जो है गड़बड़ होगा। और देखिए ये लोग पूरा खोली लगा होगा कर पूरा बैठे हुए हैं लोग यार। तो दोस्तों फाइनली हम पहाड़ के पास पहुंच गए हैं, ये दूसरा रास्ता, वो जो सामने दिख रहा पहाड़, अभी तो धुंधला ज़्यादा है, ठंडा का मौसम है, कुहासा गिरा, पहाड़ उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग वही पहाड़ जो सामने दिख रहा है उसी पहाड़ पे हम लोग चढ़ाई करेंगे। लोग धुंधला ज़्यादा है इसीलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फ्रेश कैमरे में कम फ्रेश आएगा, खुली आँखें से तो कुछ दिखाई दे रहा है पर कैमरे में उतना दिखाई नहीं देता है, तो आप देख सकते हैं ठीक है। तो फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।